आप सब कैसे हो? आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ इतना गर्मी हो रहा है कि बोलिए मत, बहुत गर्मी। अभी नाइट के 1 बज रहे हैं, ये रात की ब्लॉग है। मैं कल सुबह अपलोड करूँगी। मैं कल के लिए मैंने ये लाया अरबी के लीफ, इसके रेसिपी दूँगी कल। ये बनाऊँगी अरबी की सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी कैसे बनते हैं मैं इसे बनाऊँगी। तो देखिए, अभी मैं ये सफ़ा कर रही हूँ कि कल संडे है तो सुबह टाइम नहीं मिलेंगे मुझे। ये सफ़ा करेंगे ना, मैं घर के काम करूँ ना क्या करूँ, तो इसको मैं ऑलरेडी मतलब नाइट में ही सफ़ा करके रखूँगी, इसे छील के रख दूँगी। तो मैं अभी खा रही हूँ, ये देखिए, आइए खाइए गुआभा। इसे कहते हैं गुआभा, और हिंदी में क्या कहते हैं, अमरूद। हाँ, अमरूद खा रही हूँ। मैं रात को ना खाना वाना नहीं खाती हूँ, तो मैं ऐसे फ्रूट्स खा लेती हूँ, जैसे कि पपाया हो या ऐसे एप्पल, ऐसे कुछ मतलब ऐसे ले लेती हूँ। तो मोमो का दूध कभी ले लेती हूँ। तो अभी मैं ये खा रही हूँ गुआवा, यम्मी है, टेस्टी मीठा। ये अरबी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है मुझे तो। ये आप मच्छी का सब्जी भी खा सकते हैं, और ऐसे मीट, क्रॉक मीट, सुअर मीट, इसका खाते बहुत टेस्टी लगते हैं, यम्मी खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैं कल इसकी रेसिपी दूंगी कैसे बनाती हूँ मैं। तो मैं अभी इसे छील के रख रही हूँ, क्योंकि कल सुबह बहुत काम होता है, कपड़ा धुलाना है मुझे, उसका फिर इन लोग के लिए, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, फिर मोमो के लिए, फिर अलग दोनों मतलब बच्चे को, वो कुछ नहीं खाते हैं, उसको कुछ अलग बनाना पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होगा। तो इसके लिए मैंने सोचा ये अभी इसे सफ़ा करके रख दूँगी, तो जल्दी से मतलब ईजी होंगे ना काम भी, मतलब फटाफट हो जाते हैं जो भी हो एडवांस से करके रखने से, वही है। ओके, मैं मोमो को दिखाऊंगी मोमो क्या कर रहे हैं। मैं भी अच्छा हूँ, बन अच्छी नहीं, अच्छी में लड़की बोलते हैं, लड़का क्या बोलते हैं, अच्छा हूँ। हाँ, अब भी अच्छे होंगे। हाँ, तभी आप मोमो क्या कर रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल का कीड़ा ना, मोबाइल देखना है उनको। ओके दिन भाई बंदे, बाय बाय, कल मिलेंगे ना, ये अभी रात की ब्लॉग है। देखिए ये है अरबी के लिप्स, तो ये रहा कड़ी पत्ता, कड़ी, तो इनको दाल में झोंक के खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट। या कभी मच्छी का साथ में इसको मतलब मिक्सी ग्राइंड करना है, मिक्सी ग्राइंड करने के बाद इसको पेस्ट बना के मच्छी का साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी चीज़ है ये, बच्चा के लिए बहुत भी फ़ायदा होते हैं, जिसे भूख नहीं लगती उसे भूख भी लगती इसे खाने से। तो इनसे कभी कभी मच्छी में भी मोमो के लिए बना के देती हूँ मैं। तो देखिए, मैं अभी यहाँ इतनी सी सफ़ा कर रही हूँ, यह रात की ब्लॉग है, रात से शूट कर रही हूँ मैं, हल्का थोड़ा मोड़ा सा। तो यहाँ मेरा रहा पपैया बोला है गुआवा, और यहाँ ऐसे जबड़ा फेंक रही थी मैं मोमो ग्लास, यही है डेली रूटीन, अब क्या करूँ। ओके, मेरे वीडियो को बने रहिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मतलब सुबह के 11 बज चुके हैं, मैंने कल रात को आधा शूट किए थे अरबी को मतलब छिलते हुए। तो आज मैं अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी दूंगी, अरबी यहाँ कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में। तो अरबी को क्या कहते हैं, अरबी को यहाँ कच्चू कहते हैं, कच्चू। आप लोग के वहाँ क्या कहते हैं प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलती, बनाती हूँ अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, मैंने अभी इसको पैन में गर्म पानी रख चुकी हूँ ये अरबी के लिए। देखिए, ये मैंने कल रात को ही सफ़ा करके रखे थे धुला के, अब मैं इसे बॉयल करूँगी। तो इसके यहाँ चाहिए टमाटर, मैंने 4 टमाटर लिए, यहाँ सूखा मिर्चा होना चाहिए था, मेरे पास अभी सूखी मिर्ची नहीं है, तो मैंने हरी मिर्च लिए, उसका भाई ये कड़ी पत्ता, इसे छोक करूँगी। तो ये रहा ब्लैक पेपर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, गोल मरीच, हाँ यहाँ गोल मरीच। इसका बाद ये रहे क्या बोलते हैं गार्लिक चाहिए, गार्लिक में झोंक देने से बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये सब्जी जो अरबी जो। अब मैं यहाँ बॉईल करूँगी इसे।
इसे 5-10 मिनट्स तक पकाऊंगी, बनाऊंगी, बॉईल करूंगी मैं। बॉईल कर रही हूँ क्योंकि इसको बॉईल करना नहीं, इनसे गले में पकड़ेंगे, इसका गले में थोड़ा खिस खिस करते हैं तो इसको बॉईल करके फेंकना पड़ता है पानी जो। तो अभी थोड़ा सा बाकी है बॉईल होने के लिए, उनसे गले में जलेंगे, खुजली करेंगे। ऐसे ऐसे तो खुजली नहीं करते, लेकिन अभी ये मतलब रेनी सीजन है ना, रेन थोड़ा पानी मिलने से इसको खुजली होता है, तो उसके चलते इसको बॉईल करना पड़ता है। ओके, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, इसका जब मैं झोंकूंगी इसे बनाऊंगी तब मिलती हूँ। मैंने यहाँ पैन में मतलब ऑयल डाल चुकी हूँ, वो गर्म हो रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ झोनू डालूँगी लहसुन, लहसुन को मैंने ऐसे करके रखे है कोटा कोटा सा। यहाँ प्याज मैं नहीं दूँगी क्योंकि ये साग में मतलब वो चाहिए, लहसुन उनसे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और आज मैं बनाऊँगी हम मेरे हस्बैंड की आसामीज ट्रेडिशनल मतलब फिश, मतलब यहाँ कैसे बनते हैं फिश जो और लोग का मतलब मैं वैसे बनाऊँगी। और ये मोमो के लिए चिकन, मोमो खाते नहीं है तो उनके लिए चिकन। देखिए तेल भी गरम हो रहे हैं। अब मैं डालूंगी ये चलते हैं गार्लिक, जो गार्लिक डालने से सब्जी जो जैसे कि साग लोग में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसे मैं थोड़ा गोल्डन येलो होने दूंगी। देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये। अब मैं यहाँ डालूंगी कड़ी लिप, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता और चिली। मेरे पास अभी सूखा नहीं, सूखा उनसे बहुत ही टेस्टी होते, पर मैंने कच्चा दिए ग्रीन चिली। अब मैं यहाँ ऐड करूंगी टमाटर, मैं हल्दी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये हरा सब्जी है, हरा सब्जी में हल्दी का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि मेरे मम्मी कहते थे मेरे ग्रीन वेजिटेबल में हल्दी नहीं डाला नहीं जाता है, उनका कलर जो डिसकलर हो जाते हैं, तो मैं हल्दी यूज़ नहीं करूँगी। फिर मैं नमक दूँगी यहाँ, अभी इसे 2 मिनट ढक के रखूँगी क्योंकि टमाटर को मेल्ट होना है, उसको नरम से पकना है। देखिए गाइस मेरा अभी ये 2 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे चलाऊँगी। ये ना नमक डालने से इतना अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं, इसको ज़रूरत ही नहीं है पानी, मैंने पानी ऐड नहीं किए, थोड़ी सी भी पानी नहीं, तो उनका तेल और ये टमाटर। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी ये अरबी, अरबी की साग। यहाँ और दो चीज़ डालना है, एक लेमन का जूस क्योंकि उससे थोड़ा सा खट्टापन निकलते हैं, क्योंकि टमाटर इतने ना खट्टा नहीं होता ये जो, तो इसके लिए क्यों इसके नीचे गले में थोड़ा पकड़ेंगे, तो इसके लिए लेमन इसमें चाहिए।
लेमन का जूस, मैं यहाँ लेमन की लेमन थोड़ा सा दूंगी, अब अभी नहीं, इसे थोड़ा पकने दूंगी, लास्ट में डालूंगी लेमन की जूस। तो अब मैं यहाँ डालूंगी ब्लैक पेपर, ये चाहिए ब्लैक पेपर, इसके स्वाद होते। कच्चू में ब्लैक पेपर डालिएगा तो उनको खाने में और भी ज़्यादा स्वाद होते हैं। देखिए इनका पानी ही निकल गया, अब मुझे इसे पकाना है और 10-15 मिनट्स अच्छे से, इनका बाद में ऐड करूँगी लास्ट में लेमन की जूस। मैंने लेमन के रस भी निकाली है थोड़ी सी, मतलब एक गोटा था, मैंने हाफ पर्शन आधा रस निकाले, आधा रखी हूँ। तो इसके बाद मुझे मच्छी फ्राई करना है, मैं मच्छी फ्राई करते हुए नहीं दिखाऊंगी, ऑलरेडी मैंने दिखा चुका था उसको, मैं सिर्फ बनाते समय दिखाऊंगी। अब मैं देखिए मेरे अरबी की सब्ज़ी, देखिए इनका तेल भी निकल चुका, बस जल्दी नरम हो जाते हैं ये। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी ये लेमन की रस, क्योंकि लेमन चाहिए, थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए यहाँ, नहीं इनसे गले में धर पकड़ेंगे मतलब पकड़ता नहीं है, अच्छा ही होता है, मुझे तो बहुत ही फेवरेट लगते हैं, क्योंकि मैं हर सीज़न में जो चीज़ नया नया निकलती है तो मैं उसे खाती हूँ। अभी इनका टाइम है, आप लोगों को वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता होगा, अरबी तो हर जगह मिलते ही है। और मेरा हस्बैंड का, मेरा हस्बैंड ने बोला है, बोलो मेरा हस्बैंड का भी फेवरेट है, हाँ मेरा हस्बैंड का भी फेवरेट है ये। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, ये हो चुका है बनके तैयार मेरा अरबी की सब्ज़ी। देखिए गैस, मैं मच्छी के साथ में ये बनाऊंगी, खार देके, मतलब सोडा देके, यहाँ ऐसा बनता है, मतलब आसमिस, ये आसमिस फूड है, वो लोग मच्छी कैसे बना के खाते हैं, तो इसे आप लोग क्या कहते, हम लोग यहाँ लाओ कहते। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अब मैं इसे कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यही मच्छी फ्राई किए थे, मैं तेल को लॉस नहीं करती हूँ, मैं यही बनाऊंगी अब इसकी सब्ज़ी। देखिए मच्छी ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, अब मैंने ये लाओ को भी कट कर चुकी हूँ, अब मैं यहाँ दूंगी, यहाँ कुछ प्याज का ज़रूरत नहीं होता है, लहसुन नहीं दिया जाता है, प्याज दिया नहीं जाता, सिर्फ अदरक, ये जिंजर, सिर्फ ओनली जिंजर दिया जाता है। तो मैंने एक हरी मिर्च ली है, तो मैं यहाँ ऐसे डालूँगी, क्योंकि तेल बहुत हीट था। अब मैं यहाँ ये लाओ की डालूंगी, लाओ यहाँ मसाला की कोई ज़रूरत नहीं, ये लोग मसाला नहीं खाते हैं, लोग को ये ट्रेडिशनल, ये मतलब कड़ी है, इनका साथ बनाया जाता है मच्छी। अब यहाँ डालूँगी मैं नमक, बहुत ही सिंपल है, आप लोग घर में बना के कभी ट्राई कीजिएगा, आसामीज़ फूड, ये अब आसामीज़ फूड बना रही हूँ मैं, आसामीज़ की सब्ज़ी। मेरा हस्बैंड आसामीज़ है, मैं नेपाली हूँ, तो दो तरह की मैं डिश दूँगी हमेशा।
ये मैंने मैंने मेरा मतलब मैं आसामी से शादी करके क्या फ़ायदा, मुझे आसामी का हर कुछ भी पता नहीं, इतना मुझे पता ही नहीं। मतलब जैसे कि मुझे ये खार का सब्ज़ी बनता है, कभी मैंने अपने ससुराल में खाए नहीं, मेरे एक फ्रेंड के घर खाए थे तो मुझे इतना टेस्टी लगा, तो मैं अभी बना रही हूँ वही। मेरा हस्बैंड आसामी से होके खाते भी नहीं, वो उनको पसंद ही नहीं है सब, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जब अपना अलग का डिश खा के देखे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने के लिए स्वादिष्ट लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। यहाँ लास्ट में सिर्फ मैं डालूँगी थोड़ी सी कच्चे ऑयल पकने के बाद, अभी नहीं तो इसका बाद कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ता। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी, यहाँ कुछ नहीं देना है, सिर्फ ना हल्दी देना है, सिर्फ नमक देना है, अदरक देना है, इतना काफ़ी। इसके बाद लास्ट में सोडा होते हैं, आप लोग भी खाते हैं सोडा, सोडा थोड़ा सा देना है उनको, सोडा का साथ बनाया जाता है। तो यही है सब्ज़ी, देखिए गाइस मैं ढक के ढक्कन हटा दी हूँ, यहाँ पानी भी नहीं डाला, पानी निकलते हैं ये सब्जी से। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी, ये मेरा पैकेट में रखा है मैंने, खोल के डब्बा में नहीं डाला है, सोडा। आप लोग ज़्यादा भी मत डालिएगा, दो चुटकी डालने से हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा दूंगी, दो चुटकी से थोड़ा, क्योंकि मच्छी का सब में ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए ये सोडा देके। और मेरे माँ मोमो के लिए यहाँ चिकन पक रहे हैं, वो खाते नहीं है उनको चिकन, मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम है, फरमाइश फरमाइश होते है, क्या करूँ ज़िंदगी। अब ये सोडा दे चुका है, जल्दी से नरम हो जाएंगे ये, अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। देखिए गाइस मैं अभी इसके ढक्कन खोलूंगी, मैंने सोडा डालने के बाद, देखिए कितना नरम हो चुका है, सोडा डालने से बहुत पक जाते जल्दी से ये। अब यहाँ डालूंगी अब एग, पानी आप जो भी डाल सकते हैं ठंडा या गरम। इसका सूप पीना चाहिए, सूप थोड़ा होना चाहिए, मैंने इतने रखे। अब मैं इसे उबलने दूंगी, उबलते समय मच्छी डाल दूंगी। देखिए गाइस ये उबल चुका है, अब मैं यहाँ ऐड करूँगी मच्छी। मच्छी तो ऑलरेडी फ्राई करके रखी है मैंने, पूरा रेड से, इसे ज़रूरत नहीं ज़्यादा बनाने के लिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट उबालने दूंगी मैं। ये है असमीज ट्रेडिशनल, क्या बोलते हैं बेबी इसको, मच्छी मांस, खार मांस, खार मांस। मैं यहाँ ऐड करूँगी ये कटा हुआ धनिया, कोरिएंडर, ओके बनके तैयार, और ऊपर से थोड़ी सी हल्की सी कच्चे तेल, ऊपर से ये थोड़ी सी हल्की सी कच्चे कच्चे तेल।
ओके बाय बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा एक बार घर में ट्राई कीजिएगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के आसामीज डिश है ये, आसामीज लोग खाते हैं, तो अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाया तो कभी दूसरा का डिश भी खा के मतलब टेस्ट करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ही टेस्ट लगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज अपने घर पर बना के खा रही हूँ। लव यू माई यूट्यूब फैमिली वंस अगेन।